दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं हर्षिता कोटद्वार, विधानसभा उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजनीति में आए बदलाव के विषय पर आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ विचार रखने जा रही हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं रह चुके हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्हें बदलकर अब वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार ने नए मुख्यमंत्री जो पौड़ी जनपद के सांसद भी हैं वर्तमान में, जिनका नाम है माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, उन्हें नियुक्त किया है हमारे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। इस उम्मीद के साथ कि जो इन 4 सालों में हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने जितना विकास कर चुका है इस प्रदेश का, अब तीरथ सिंह रावत जी आकर इसमें और ज़्यादा विकास कर देंगे इस प्रदेश का और इस प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। वो कहते हैं ना, जैसे उम्मीद पे दुनिया काया में, तो शायद इसी उम्मीद से एक नए मुख्यमंत्री को यहाँ नियुक्त किया गया है हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश को बने हुए 20 वर्ष हो चुके और इन 20 सालों में हमारे प्रदेश ने लगभग 9 मुख्यमंत्रियों का सफ़र अब तक तय कर चुका है। और ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो अपने कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाए। मैं हमारे जो सांसद है पौड़ी जनपद के श्री तीरथ सिंह रावत जी, उनसे एक बात ये भी कहना चाहूँगी और उनके संज्ञान में ये बात देना चाहूँगी कि उनका खुद का ये पौड़ी जनपद पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में 13वें स्थान पर आता है। यानी कि पौड़ी में आज तक कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हो पाया जो पौड़ी की जनता या पौड़ी जनपद में आने वाली हम सारी जनता मिलकर ये कह सके कि वास्तव में हमारे सांसद जी ने यहाँ पर कोई विकास कार्य किया है। पर चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब उन्हें यहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है और मैं सबकी तरफ से उन्हें बधाई भी देना चाहूँगी और एक उम्मीद करते हैं कि वो वास्तव में इस उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बनाने में अपनी भागीदारी निभा पाएँ। पर मेरा स्वयं का मानना है कि खरबूजे में चाकू मारे या चाकू पे खरबूजा, कटना खरबूजे नहीं है। तो अगर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहे कोई और बने या कोई ऐसा बने, तो मुझे नहीं लगता कि इस उत्तराखंड को कोई विकसित कर पाएगा। पर खैर, हमारे जो नव नियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास कुछ महीने शेष बचे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इन शेष महीनों में वो कुछ ऐसा कार्य कर पाए ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने उन्होंने कुछ तो किया है इस प्रदेश को लेकर के। वरना इन 20 सालों में तो उत्तराखंड की समस्याएं आज भी जस की तस है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन की समस्याएं आज भी हमारे प्रदेश में उजागर है। मैं उत्तराखंड की सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आने वाले समय में अब आपके हाथों में आप एक ऐसे विकल्प को चुनिएगा जो वास्तव में इस उत्तराखंड को बदले, ना कि इस उत्तराखंड की राजनीति में सिर्फ अपनी रोटियां सेके सत्ता की। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबकी ओर से नव नियुक्त मुख्यमंत्री माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी को भी बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, जय हिंद।